हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चंदवानी भावना नेटसेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करके नए वीडियोस को पहले देखिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने टीचिंग का ऑलरेडी यूनिट स्टार्ट कर दिया है और पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस देखा था टीचिंग का और इस यूनिट को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लेक्चर्स मेन बनाने का मेरा पर्पस है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो नेटसेट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप बहुत इन लेक्चर्स को सीरियस लीजिए और इनको सब्सक्राइब करके डाउनलोड करके देख लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। नाउ ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेबस किया है, तो आज हम करने वाले हैं, पहला पॉइंट है टीचिंग डेफिनेशंस। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, तो लेट अस सी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। टीचिंग इज अ पर्पसफुल direction and management of learning process. Teaching is a purposeful direction and management of learning process. सीधी सी बात है, teaching का मतलब ही होता है twice learning. जब तक जो teacher पढ़ा रहा है, अगर उसका concept clear नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों का concept कैसे clear करेगा? तो that is what teaching is a purposeful direction and management of learning process. जो भी बच्चे हुए, जो लर्नर हुए, जो आपके अंडर में आएंगे, तो आपको उनको डायरेक्शन देना है। यही तो टीचर का रोल है। टीचर खुद जल के अपने बच्चों को पूरा का पूरा लाइट देते हैं। दैट इज व्हाट अ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल आर ऑर्गेनाइज्ड in a systematic way to attain the some predetermined. क्या कह रहा है? Teaching is a process. Process means never ending. सीधी सी बात है, example लेंगे, मान लीजिए अगर मैंने कोई shop खोला, तो मैं shop रोज रोज खोलूंगा, रोज रोज बंद करूंगा, कि एक ही बार खोलूंगा और एक ही बार बंद करूंगा? तो जवाब है रोज रोज। तो that is what teaching is not a one time affair. It is a continuous process in which learner, teacher and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. सीधी सी बात, teacher का main aim है पढ़ाना, important points inculcate करना बच्चों को, plus variables भी। variables का मतलब है जैसे teaching material है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हम lecture बना रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ रही है, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है, वेबकैम की ज़रूरत पड़ रही है, टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज पढ़ा तो कोई भी लेता है, बट हमको याद रखना है, टीचिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। हर एक आदमी सही टीचर नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग इज एन एक्टिविटी डेट कॉज द चाइल्ड टू लर्न, अक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज एंड ऑल्सो डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग। टीचिंग इज एन एक्टिविटी डेट कॉज द चाइल्ड टू लर्न। सीधी सी बात है, बच्चा तब पढ़ेगा जब आप अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज, टीचर अच्छा नॉलेज देगा, सही नॉलेज देगा, तो बच्चा वो नॉलेज गेन करेगा और वो उसको न सिर्फ प्रेजेंट में लेकिन फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्या डेफिनेशन है। अ पर्सन, यहाँ पे पर्सनल लिखा है, दैट इज पर्सनल। A personal relationship between teacher and the taught causing behavior modification. यानी यहाँ पे अगर मैं teacher की बात करूँ और learner की बात करूँ, तो teacher learner का क्या change करता है? Behavior change करता है। Learning का मतलब यही होता है, learning means modification of behavior. Learning का मतलब होता है modification of behavior. जब teacher नए नए method सिखाता है, नए नए तरीके सिखाता है, तो सीधी सी बात है बच्चों का बिहेवियर क्या होता है? मॉडिफाई। देन नेक्स्ट है, टीचिंग इज अ डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस पीपल एंड हेल्प
team are developed according to the needs and ideas of the society. यानी आपको अपने बच्चों में वो qualities inculcate करनी है जैसे बच्चा society में एक अपना नाम बनाए. भाई देखिए सीधी सी बात है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है. टीचर का ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को सही और अच्छा नॉलेज दे. सीधी सी बात है, बच्चे कौन है? बच्चे हैं लेस एक्सपीरियंस्ड, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपीरियंस देना टीचर का काम है, और एक्सपीरियंस कैसे देगा? अपने एक्सपीरियंस से वो बच्चों को एक्सपीरियंस देगा. लाइफ में कुछ बनना है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं या MBAs हैं, वो कैसे बने? बिकॉज ऑफ द टीचर. अगर टीचर नहीं होते तो शायद हमारे देश में CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBAs नहीं होते. आप नहीं होते, हम नहीं होते. तो डेट इज वॉट टीचर, एक डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस है. बिल्कुल, बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. आगे बढ़ते हैं. थर्स, टीचिंग इज रिड्यूस्ड लिमिटेड टू वॉट टीचर टीचेस. टीचर को अपने क्लास में बहुत सारी बातें सिखानी है, बट मेन बात है टीचिंग. तो डेट इज वॉट, ये तो बहुत सारे डेफिनेशंस हुए टीचिंग के. आगे बढ़ते हैं. कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या कह रहा है टीचिंग के बारे में? तो लेट अस सी कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. टीचिंग दो प्रकार की होगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल. क्या कह रहा है इनफॉर्मल? इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन द फैमिली और कम्युनिटी ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ. क्यों कहा जाता है? हमारे सही टीचर्स हमारे मम्मी डैडी होते हैं, वही हमको बचपन में सब बातें सिखाते हैं, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए. हम अपने जिंदगी के पहले 3-4-5 साल अपने घर में बिताते हैं. तो यहाँ पे मम्मी डैडी का ड्यूटी बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनको समझाएं कि लाइफ एक चैलेंज नहीं है, लाइफ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमको तरक्की करनी है. लाइफ को चैलेंज के जैसा एक्सेप्ट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना है एज ए चैलेंज. ये माँ बाप अपने बच्चों को सिखाए, मम्मी डैडी अपने बच्चों को सिखाए कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है आई एम पॉसिबल. दैट इज वॉट पेरेंट्स को यही बोलना चाहिए. तो डेट इज वॉट, ये है इनफॉर्मल टीचिंग. देन नेक्स्ट है फॉर्मल टीचिंग. फॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट बाय पेड प्रोफेशनल कॉल्ड टीचर्स और फैकल्टी. जो टीचर्स पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, डेट इज नोन एज फॉर्मल टीचिंग. क्यों फॉर्मल टीचिंग? क्योंकि एक क्लास में टीचर खड़ा रहता है और बहुत सारे बच्चे रहते हैं. ये सब बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो स्कूल और कॉलेजेस बताता है. यहाँ पे आपको फॉर्मल एजुकेशन मिलेगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉर्मल टीचिंग. एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, बट इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन ऑल स्पेयर्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड वोकेशन. टीचिंग सिर्फ कल्चर को ट्रांसमिट करना नहीं, कल्चर तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. ये एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में बीएड में सीखा था. जब अंग्रेज लोग इंडिया छोड़ के चले गए, तो जब वो थोड़े दिनों के बाद इंडिया में घूमने आए, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या, मतलब क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है. तब वो लोग महात्मा गांधी जी से मिले, और महात्मा गांधी जी ने कहा, भली हमारे देश में लोग लिटरेट नहीं है लेकिन एजुकेटेड सब है.
तो अंग्रेज थोड़ा हैरान हो गया, बोला ये क्या बात कर रहे भाई। तो उन्होंने कहा देखिए चलिए मेरे साथ, वो और उनको गांव लेके गए। वहां पे एक औरत बैठी थी, एक लेडी बैठी थी जो बिल्कुल अनपढ़ थी। उस लेडी को कहा कि भाई ये आग है, इसमें हाथ डालो। लेडी ने बोला हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेटसेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करके नए वीडियोस को पहले देखिए। कि अगर मैं हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये किसी स्कूल में नहीं सीखा है, ये एजुकेशन हमको हमारी कम्युनिटी से मिलता है। तो डेट इज वॉट टीचिंग का मतलब सिर्फ या एजुकेशन का मतलब सिर्फ ट्रांसमिशन या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर नहीं है, हमको ओवरऑल तरक्की करनी है इन द एरिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड वोकेशन। देन बट एट प्रेजेंट मोमेंट टीचिंग फॉर वोकेशन इज टेकन बाय मेनी आर एस फंडामेंटल है। बिल्कुल आज हर एक आदमी को वोकेशनल एजुकेशन चाहिए जिससे जॉब इजीली मिल सके। अर्निंग फॉर लाइवलीहुड हैज बिकम कंप्लीटली डिपेंड ऑन एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। दैट इज व्हाट आज अगर हम देखेंगे तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, बढ़ते जा रही है। वोकेशनल एजुकेशन यानी ऐसी प्रकार की एजुकेशन जिससे हमको जॉब बहुत आसानी से, मतलब हम लोगों को एक्सपीरियंस आ जाए और हमको जॉब मिल जाए। दैट इज व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एजुकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल एंड एथिकल प्रोसेस डिजाइन इन अ सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक क्लास में, बंद क्लास में बच्चों को समझाइए और जो टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं सिर्फ वही कीजिए। नहीं, टीचर का ड्यूटी है अपने बच्चों को डेली अपडेट्स कराए, उनको रीडिंग हैबिट्स डाले, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रेरणा दे, उनको न्यूज़ देखने के लिए बोले। इससे क्या होगा, जो भी बच्चा होगा उसका नॉलेज गेन होता जाएगा। आज जैसे हमारी UGC ने सिलेबस चेंज किया है और मैंने पहले भी बताया है कि हमारे देश में डेली बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अगर टीचर वो चीज़ें अपडेट नहीं करेगा तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। तो डेट इज़ वॉट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी ह्यूज। बट टीचिंग के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करना है, डेट इज़ वॉट अ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों आज हमने देखा डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि भावना नेटसेट एकेडमी के लेक्चर से हमको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ भावना नेटसेट एकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले मैं और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे ही विराम लेते हैं और अगला लेक्चर मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा। दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू।